हेलो माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज है दिवाली का दिन, फाइनली दिवाली आ गई। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी प्रॉस्पेरस हेल्दी दिवाली। एंड आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से विश करने वाली हूँ शाम को, अच्छे से सज धज के अपने नए कपड़े पहन के। बट मैंने सोचा कि दिवाली का व्लॉग शुरू किया जाए। हर दिवाली और दशहरे पे मैं कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाती हूँ घर पे। आई स्टार्ट माई डे विथ कुकिंग समथिंग स्वीट। तो मैंने बनाई है रबड़ी आज, मतलब मैंने ट्राई करी है, शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। कूल डाउन करने के बाद पता चलेगा कैसी बनी है। सो ये है मेरी रबड़ी। अभी इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी जाने हैं, इसको मैंने कूल डाउन पे रखा है। और आज बनने वाला है पुलाव, तो ये सब मेरे फेवरेट अखे गरम मसाले रेडी हैं। और आज हमारे घर में बनने वाला है मिक्स पुलाव एंड समथिंग एल्स व्हिच इज अ सरप्राइज फॉर कुणाल। बट एक्चुअली हमारे घर में बनने वाले थे राजमा चावल। एंड कुणाल, वुड यू लाइक टू टेल एवरीबडी कि आज हमारे घर में राजमा क्यों नहीं बने? एक मिनट, मैं अपना वर्जन बताती हूँ पहले, क्योंकि कल कुणाल ने मुझे बोला मैं जरा से राजमा भिगो दूंगा, ज्यादा मत बनाना। एंड आई टोल्ड हिम हर वक्त जब भी राजमा बनने होते हैं मैं भिगोती हूँ राजमों को एक रात पहले। एंड आई थिंक इसी कंफ्यूजन में हम दोनों ने ही राजमा भिगोना भूल गए। डिड यू फॉरगेट? यू फॉरगॉट? यू टोल्ड मी ना कि तुम करोगे रात को। वी केम होम एट 2 इन द नाइट, 2:30 बजे रात को घर पे आए। तो आई थिंक देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज़ सुबह में जब आग खुली एंड आई वाज लाइक राजमा कुकर में लगा देती हूँ बॉयल होने के लिए, एंड आई रियलाइज दैट ओह शिट, मैंने तो राजमा रखे नहीं। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर कुणाल ने भी राजमा नहीं भिगोए। तो बन रहा है वेज पुलाव एंड पनीर ग्रेवी, मीठा ऑलरेडी बन चुका है। और यहाँ पे कुणाल यूट्यूब पे लगा हुआ है बिकॉज ही इज गोइंग टू क्लीन ऑल हिज सिल्वर गॉड्स इन सम टाइम, which he was supposed to do yesterday but he's going to be doing it today. कुछ बोलना है आपको? Happy Diwali, पर ऐसे नहीं, अभी तो साला रात के कपड़ों में ही है, मैं तो टाई एंड डाई में बैठा हूँ। I know, मैंने भी यही बोला कि अभी सज धज के शाम को सबको अच्छे से विश करेंगे। I'm going out to buy some sweets and all. मिठाइयाँ आना शुरू हो गई है और टिपिकल मिठाइयाँ तो एक्सचेंज होती है फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, बट मैं आप लोगों को समथिंग अनयूजुअल दिखाती हूँ, स्पेशली बॉम्बे सिटी में जो दिवाली के टाइम पे जो चीजें लोग दिवाली पे एक्सचेंज करते हैं, घरों में बांटते हैं। I'm going to show you what it looks like. So this is what a typical Diwali sweet ki thali looks like. This is called chuda. It's very very famous. Bahut log isko ghar pe banate hain. Then this is some chuda again. Ye namkeen hota hai. Sev. Aur ye hote hain shakkar paare. Namkeen bhi hote hain, meethe bhi hote hain. Ye namkeen hai. Aur ye meethe wale hain. Chakli to zarur hoti hai Diwali sweets mein. Maine kaafi sari kha li hai. This is something else, मुझे पता नहीं है। ये एक कोकोनट का लड्डू है, पूरन पोली होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सो अ टिपिकल दिवाली थाली लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये हमारी नेबर ने हमको दी है, सो अब मैं करूंगी ये एंजॉय और मिलूंगी आप लोगों से शाम को। शाम हो चुकी है और अब बन रही है हमारे घर में चाय। चाय हमारे घर में हमेशा कुणाल बख्शी बनाता है। कुणाल आज चाय की सख्त जरूरत है। हाँ यार, वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ बड़ा ना, तो सारे ऐसे सुस्त नहीं, मुझे तो छीके लग गई है। हाँ मुझे भी। सो आज सुबह उठते ही आई हैड अ स्प्लिटिंग हेडेक और मेरा जो सर है वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड दोपहर में खाना वाना खाने के बाद जब मैं लेटी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, मुझे पता नहीं कहाँ से कोल्ड लग गई, वो जो डस्ट एलर्जी होती है, तो मेरी छीके शुरू हो गई। कुणाल को भी डस्ट एलर्जी लग गई, तो आई जस्ट डोंट नो व्हाई तबीयत थोड़ी सी यू नो अप एंड डाउन लग रही है, एंड देयरफॉर द स्वोलन फेस एंड स्वोलन आईज। बट एनी वेज, कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, इट इज़ टाइम टू मेक रंगोली। अब मैं बनाने वाली हूँ रंगोली एंड उसके अंदर मैं दिए सेट करने वाली हूँ। एंड 7 बजे के करीब कुणाल दिए लगाने वाला है, यानी कि दिए जलाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
रेडी. मेकअप बहुत ही मिनिमल किया है बिकॉज मेरा आउटफिट एकदम हैवी है. दिस इज द आउटफिट विच माई मदर इन लॉ हैज गिफ्टेड मी. आई एब्सोल्युटली लव इट और मुझे इतना बढ़िया फिट हुआ है. By the way, these bangle sets have also been gifted by her. I love how my outfit is looking. Or I love the way Kunal is looking. Aaj to Kunal bahut hi dapper lag raha hai. He's wearing such a lovely kurta set. This is what Kunal is wearing today. A beautiful onion pink kurta set. You're looking ekdam lovely, Kunal. Bahut hi, thank you. Bahut hi handsome. And the embroidery on this kurta set is amazing. I love it. This mirror detailing. Looking very, 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 very Diwali appropriate. Now let me show how you are looking. My jutis and this beautiful wine color outfit. Is pe pura kaam kiya hua hai. I love how it's looking. Aur aaj maine apne baalon mein dale hain fake flowers aur ek messy sa bun. And this is what I'm looking like. A bindi. I'm Diwali ready. मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है. कुणाल ने सारे दिए लिट अप कर दिए हैं और मैंने रंगोली भी बना दी है. हैप्पी दिवाली पप्पी. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली तो बोल दो मेरे व्लॉग को. ओए मिया, मैं चल रहा हूं जलाना पटाखे. पटाखे चलाने जा रहा है. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. ओए मिया, तो कहां जलाने पटाखे? मैं चल जाके खा रहे अपने मोगल लफाटे. हैप्पी दिवाली. यही थी हमारी बहुत छोटी सी प्यारी सी दिवाली. और हम हर दिवाली पटाखे भी नहीं जलाते हैं, बस दो फुलझड़ी और शगुन जलाते हैं और दूसरों के पटाखे जलते हुए देखते हैं. तो अभी आपको थोड़ी देर में हम वो भी दिखाएंगे. बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं और सबके सब नीचे खड़े होके पटाखे फुलझड़ी सब क्रैकर्स जला रहे हैं. इतनी रौनक है बिल्डिंग में, इतनी रौनक है गाइस. एज यू कैन सी मेरे पीछे अनार जल रहा है सब जगह. सब बच्चे, मतलब छोटे से लेके बड़े से लेके बूढ़ा तक हर इंसान नीचे है और ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स में लाइटें लगी हैं, घंटियाँ बज रही है. इतना अच्छा लग रहा है. हैप्पी दिवाली गाइस. और यहाँ पे मिस खुशबू का गैंग. हैप्पी दिवाली ब्रदर, कैसा है? हाय प्रकृति, हैप्पी दिवाली. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. वुड यू लाइक टू से समथिंग टू माय व्लॉग? हाय गाइस, बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटी. ओह, आज तूने सही बोला है. हाय.
हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी, ये होना सही है, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू. हमने सोचा था कि हम घर पे डिनर मंगवा लेंगे, बट कुणाल सेट चलो बाहर चलते हैं और जो लाइटें लगी हैं बाकी हो के घर में, बिल्डिंग्स में, रास्ते में, वो भी देखेंगे. एंड ट्रूली इट इज सो मैजिकल गाइस, सब जगह लाइटें, पेड़ों पे लाइटें, इट्स लुकिंग सो नाइस, इतनी रौनक है. लिटरली ऐसा महसूस होने लगा है कि 2-3 साल किसी ने त्योहार नहीं मनाए और इस बारी सब लोग जी जान लगा के जिसका जैसे है वो लोग वैसे ही मना रहे हैं, इतनी रौनक है. कुणाल और मैं पिछले आधे घंटे से हमारे एरिया में जस्ट ड्राइव कर रहे हैं ओनली टू सी द लाइट्स, द विंडो डेकोरेशन, और अब हम जाएंगे टू हैव सम डिनर. भूख भी लगी है. मैंने सोचा था मैं एक इमली वाली आइसक्रीम खाऊंगी. हमारे बिल्कुल करीब में एक आइसक्रीम पार्लर है एंड दे हैव रियली ऑसम एग्जॉटिक फ्लेवर्स. तो मैं कई दिनों से सोच रही थी इमली आइसक्रीम खाने के लिए एंड सडनली डिजर्ट ऑर्डर करने के टाइम पे मुझे याद आया कि घर पे रबड़ी बनी थी. मैंने सुबह में रबड़ी बनाई थी और मैंने कुणाल से कहा था कि दोपहर में मत खाना, उसको सेट होने देना. तो अब हम खाने वाले हैं रबड़ी मेड बाय मी ऑन दिवाली के शुभ उपलक्ष. पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रबड़ी कितनी यम दिख रही है. दिस इज माई रबड़ी, बिल्कुल सेट हो चुकी है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू ईट इट एंड कुणाल इज मोर एक्साइटेड टू ईट रबड़ी. सो इसी के साथ इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर. वी होप कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुई हो. आई थिंक कुणाल रबड़ी की जोन में जा चुका है बिकॉज ही इज जस्ट स्टेयरिंग इनटू द कैमरा. ही इज इन फूड कोमा इतना ज्यादा खाने के बाद. सो हम अपनी रबड़ी खाते हैं एंड हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल वंस अगेन. एंड ये व्लॉग तो दिवाली के बहुत 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 दिनों के बाद आने वाला है. जो भी है देख लेना, शो इट लॉट ऑफ लव एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की. एंड इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से, फॉर अस टू से बाय बाय टू यू ऑन दिस व्लॉग राइट हियर. बट बिफोर वी गो यू नो द ड्रिल, स्टे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काइंड एंड बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. बाय.